आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या, गांव में फैली सनसनी। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में कई थाने की फोर्स तैनात है, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है, एसएसपी भी मौके पर मौजूद हैं। ग्राम प्रधान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम प्रधान शिवचरण की सोते समय निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव लखनपुरा निवासी शिवचरण गांव के मौजूदा प्रधान हैं। ग्राम प्रधान घर में सो रहे थे कि किसी ने कुल्हाड़ी से काटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में दहशत का माहौल है। हत्या की सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस गांव में मौजूद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिवचरण लोधी घर में सो रहे थे, किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इनका गांव व्यक्ति में विवाद चल रहा था। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से यमारिफ खान की खास रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज अंतर्गत लखनपुरा गांव के ग्राम प्रधान शिवचरण लोधी अपने यहां घर पे बाहर कमरे में, जिसमें दरवाजा नहीं है, सोए हुए थे। रात में किसी ने कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। प्रथम दृष्टया इनका एक गांव के ही मुन्नी लोधी से विवाद होना बताया है। इस संदर्भ में थाना वजीरगंज में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।